I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, cause I like. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन और आप देख रहे हैं डायरेक्शन मेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग के हवाले से कि ये क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये एक पुल स्ट्रेटजी है इनबाउंड मार्केटिंग, जिसके अंदर जो आपका कस्टमर है या यूज़र है वो आप तक खुद आता है, वो कीवर्ड को सर्च करके आता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ सकता है, वो चाहे गूगल के थ्रू आए या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है। जबकि इसके बरक्स जो है आउटबाउंड मार्केटिंग, वो है पुश स्ट्रेटजी, जिसके अंदर फोर्सफुली कस्टमर को एड्स दिखाई जाती हैं, बेशक उसका इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो। इसके अलावा जो इनबाउंड मार्केटिंग है वो है एजुकेट, मतलब यूज़र को हमारी ब्रांड के बारे में पहले से थोड़ी अवेयरनेस होती है, जिसको वो सर्च करके हम तक आता है। जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग का जो है मेन फोकस सिर्फ सेल पे होता है। इनबाउंड मार्केटिंग टू वे होती है, मतलब कस्टमर हम तक आता है, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, हम उसकी नीड को देखकर हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग में सिर्फ वन वे है, सिर्फ कस्टमर तक मार्केटिंग करना है। और इसके अलावा जो इनबाउंड मार्केटिंग है वो है परमिशन बेस्ड होती है, जबकि जो आउटबाउंड मार्केटिंग है वो इंटरप्शन बेस्ड है। मतलब जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था, टीवी एड्स की बात कर लें आप, या आप अखबार के अंदर जो एड्स होती हैं उसकी बात कर लें, तो इस तरह की जो एड्स होती हैं वो इंटरप्शन बेस्ड होती हैं। और इनबाउंड मार्केटिंग में जो विन करता है वो सबसे बेस्ट कंटेंट विन करता है, मतलब अगर आपके पास एक ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है या कंटेंट है वो विन करेगा और आपकी सेल्स ग्रो करेगी। जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग में जितना आप बजट ज़्यादा करेंगे उतना आपकी सेल्स बढ़ेंगी। जिस तरह आप SEM में देख लें, अगर आप जितना ज़्यादा बजट करेंगे, जितनी बड़ी टारगेट ऑडियंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सेल्स में इंक्रीज होगा। पर अब आउटबाउंड मार्केटिंग क्योंकि इतना फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो लोग हैं वो सब इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसको हम हाइब्रिड मार्केटिंग कहते हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग के अलावा एक और मार्केटिंग भी है, जिसको हाइब्रिड मार्केटिंग कहा जाता है। हाइब्रिड मार्केटिंग ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों का मिक्सचर जो है, मतलब दोनों की कुछ ना कुछ टेक्निक्स मिलाकर जो मार्केटिंग करते हैं वो हाइब्रिड मार्केटिंग है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब अगर हम एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते रहें तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट है, हम चाहे इनबाउंड यूज़ करें चाहे आउटबाउंड यूज़ करें, लेकिन अगर हम इन दोनों की टेक्निक को कुछ मिलाकर हम कुछ ना कुछ करें, मतलब ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसके अंदर दोनों की खसूसियात शामिल हो, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ऐसी मार्केटिंग को हम हाइब्रिड मार्केटिंग कहते हैं, जिसके अंदर दोनों की कुछ ना कुछ टेक्निक या कोई ना कोई खसूसियात इंक्लूड हो, उसको हाइब्रिड मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।